अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम व्हाट्सएप में जो है वो टू स्टेप वेरिफिकेशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप को हैक करना बहुत आसान है अगर आपने इस तरह की सिक्योरिटी इसमें नहीं लगाई हुई है तो लगा लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके पास जो टू व्हाट्सएप अकाउंट बने हुए हैं, एक डब्ल्यू ए बिज़नेस के नाम से है और एक व्हाट्सएप के नाम से है। इस पर मैंने जो है वो टू स्टेप वेरिफिकेशन अप्लाई की हुई है। ठीक है, हम इसके ऑप्शन में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम आ जाएंगे अकाउंट्स में और यहाँ आप देख रहे हैं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टिक बना हुआ है, यानी कि मैंने यहाँ पे अप्लाई की हुई है। ठीक है, आपको एक पिन देनी होती है, वो पिन होती है वो मतलब बीच बीच में कभी भी जो है आपसे मांग लेता है। और अगर आप जो है दोबारा से लॉगिन कर रहे हो, जैसे आपने जो है वो व्हाट्सएप को रीसेट किया या दोबारा से रीइंस्टॉल किया अनइंस्टॉल करके, तो फिर जब आप अपना अकाउंट की दोबारा से लॉगिन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर भी जो है ये टू स्टेप वेरिफिकेशन मांगता है। ठीक है, तो अगर कोई आपका व्हाट्सएप हैक करना चाहेगा तो उसको फिर ये पिन भी पता होनी चाहिए। अगर उसको ये पिन नहीं पता तो आपका अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपको एक पिन डालनी होती है, इसके अलावा जो है वो ईमेल एड्रेस देना होता है कि अगर आप ये पिन भूल रहे हैं तो किस तरह से जो है वो उसको रिकवर करेंगे ईमेल एड्रेस के ज़रिए। ठीक है, तो हम मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप बिज़नेस में आता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा दूसरा अकाउंट है, इसकी हम सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद वही अकाउंट और आप देख रहे हैं यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन है, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब हम इसको करते हैं इनेबल। अब हमसे एक की मांग रहा है। ठीक है, आपका जो दिल चाहे आप रख देते हैं। अभी मैं से इसको आपको चेक कराने के लिए ये रख देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये ईमेल एड्रेस मांग रहा है। ईमेल एड्रेस आप वो दिएगा जो आपकी मतलब आपके यूज़ में हो। ठीक है, जिसको आप एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पर जो है मैं एक ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, इसको नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस कंफर्म कर रहा, सेफ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो मेरा टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो अनेबल हो गया है, मैं डन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी इस तरह से दिखा रहा है जैसे मेरा पहला अकाउंट में था। ठीक है, तो अब ये बीच बीच में जो है वो आपसे देख रहे हैं, इसने अभी यहाँ पर मैं सब पूछा कि आप जो है अपना वेरीफिकेशन कोड डालें। अगर मुझे नहीं पता होगा और मैं कुछ रॉन्ग डालूंगा तो मना कर देगा। ठीक है, मुझे आगे व्हाट्सएप पर वर्किंग करने ही नहीं देगा जब तक मैं करेक्ट पासवर्ड नहीं डालता। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके आईडी मतलब कॉल को जो है जो आपकी कॉल आईडी होती है उसको फॉरवर्ड पर लगाकर, जैसे कॉल फॉरवर्डिंग होती है, और कुछ लोग जो है व्हाट्सएप के अकाउंट को आप मतलब आपके नंबर पर अपना अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा हुआ है तो वो इस तरह से नहीं कर पाएंगे, उनको एक पिन चाहिए होगी। ठीक है, तो अब जब मैं इसमें करेक्ट पिन डालूँगा तभी जो है ये मुझे इंटर होने देगा व्हाट्सएप के अंदर। और ये बीच बीच में जो है पूछता रहता है, कभी 3 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद। और इसके अलावा अगर आप रीसेट करके जो है वो दोबारा से लॉगिन करें तो लाजमी है आपसे ये पिन मांगता है, इसके अलावा आपको लॉगिन नहीं करने देता। तो आप जो है वो इस टू स्टेप वेरिफिकेशन को लाजमी जो है अपने व्हाट्सएप पे अप्लाई करें। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका जो व्हाट्सएप है वो कोई हैक ना कर पाए तो उसको लाजमी आप अप्लाई कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल माइक गाइड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है वो इस टू स्टेप वेरिफिकेशन के ज़रिए अपने अकाउंट को सेव कर लें और कोई भी जो है वो इतनी आसानी से उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक ना कर पाए।